सबको स्लाइड दिख रही है? मैक्सिमम लोग आप लोग क्लासेस से लेक्चर से जुड़े ही हुए थे, नए नहीं हो इस चीज के लिए। हम लोग अफोरिज्म 22 तक अभी तक कर चुके हैं। जो दो तीन लोग नए आए हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा टॉपिक, मतलब जो हमारा ये टाइटल है कि आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ मटीरिया मेडिका एंड ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, ये इसलिए रखा गया है टाइटल बेसिक्स क्योंकि आजकल हम देखते जा रहे हैं कि जितने भी हमारे होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स हैं उसके बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, हम नई नई किताबें पढ़ते हैं, नए नए ऑथर्स की किताबें पढ़ते हैं, पर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ना हमारा, जैसे कि ऑर्गेनॉन की टेक्स्ट बुक, अफोरिजम्स के रियल मीनिंग क्या होते हैं, मटीरिया मेडिका की स्टॉलवर्ड्स की मेन बुक्स जैसे कि हेरिंग गाइडिंग सिम्टम हो गई, प्यूरा हो गई, क्रॉनिक डिजीज हो गई, TFLN एनसाइक्लोपीडिया हो गई, NM चौधरी हो गई, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं जिनको आजकल के स्टूडेंट्स पढ़ना ही छोड़ दिए, और वही ऑथर्स हैं जो हमें दोनों सब्जेक्ट के, चाहे वो ऑर्गेनॉन हो चाहे वो मटेरिया हो, उसके बेसिक्स के बारे में बताते हैं। और मैंने अपने गुरु डॉक्टर राशिद अख्तर से यही सीखा है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, अगर आप जिस बिल्डिंग को, इमारत को खड़ा करना चाह रहे हैं उसकी नींव सही नहीं है, तो इमारत कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी, आगे जाके गिरेगी। तो इसी नींव को बनाने के लिए क्लासेस का मेरा मोटिव है। ज्यादातर हमारे साथ सेकेंड थर्ड ईयर के लोग ज्वाइन करें, तो उस एज पे, उस स्टेज ऑफ आपके BHMS पे अगर आप सही राह पे चलना सीख जाएंगे, सही तरीके से ऑर्गेनॉन और मटेरिया को पढ़ना सीख जाएंगे, तो आपको इंटर्नशिप में जाके बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जब आप केसेस देखेंगे, आप रिलेट कर पाएंगे ऑर्गेनॉन को केसेस के साथ, आप रिलेट कर पाएंगे मटेरिया की नॉलेज को केसेस के साथ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अफोरिज्म 1 से लेकर 22 आई थिंक, और उसके पहले का जो बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनॉन है, ये आपको मेरे चैनल पे मिल ही जाएगा, ये आप लोग देखते भी आ रहे हैं, जो लोग ज्वाइन नहीं करें वो भी शायद वॉच करते हैं उस चीज को, तो आपको वो सारी चीजें वहां मिल जाएंगी अगर आपको रिवाइज करना है या आपने कोई क्लास नहीं करी। डॉक्टर जितेंद्र ने बताया था कि एक एक्सीडेंट और मॉर्बिड फिनोमेना वाली चीज अभी डिस्कस नहीं हुई है, उसके लिए एक सेपरेट क्लास रख दी जाएगी, वो चीज कवर हो जाएगी उसमें। बाकी सारी चीजें अभी तक जो भी मेडिसिन पढ़ाई गई हैं और जो भी ऑर्गेनॉन का टेक्स्ट है वो आपको वहां मिल जाएगा। अगर किसी को रिवाइज करना है तो वहां से कर सकता है, कोई भी डाउट हो तो जो संडे की डाउट क्लास है, संडे की डाउट क्लास का यही रहेगा कि अगर आप लोग के डाउट आते हैं, अगर आप लोग का कोई डिस्कशन का टॉपिक है, तो आप फ्राइडे सैटरडे में मेरे को कंफर्म करके बता दीजिए, आप अपने डाउट्स भेज दीजिए, तो उस पे मैं कुछ प्रिपेयर करके आपके डाउट सॉल्व करने के लिए संडे को एक क्लास रख लिया करूँगा। तो जितना अच्छे से आप डाउट्स पूछेंगे उतना ज्यादा चीजें संडे को डिस्कस हो सकती है। अब बात रही कि आज का टॉपिक जो हमारा है, आज का टॉपिक हमने बेसिकली स्टार्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनॉन से, जहां से हमने इसको छोड़ा था, अफोरिज्म 22 तक हमने कर लिया था। अब अफोरिज्म 22 में अगर आप लोग अपनी ऑर्गेनॉन की बुक साथ में रखे हुए हैं तो वो प्लीज निकाल लीजिए। हमने ये स्टार्ट किया था पिछले अफोरिज्म को पढ़ाते हुए कि एक अलग सेक्शन है 22 अफोरिज्म से 29 अफोरिज्म का, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन इन डिजीजेस। अब ये नॉलेज कि जो प्रिंसिपल आप अप्लाई करते हो, जैसे कि हम होम्योपैथी में सिमिलिया को अप्लाई करते हैं, तो ये जो नॉलेज होनी, इसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रिंसिपल कैसे स्टैंड कर रहा है, इसके पीछे का बेसिस क्या है, लॉजिक क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को बताते हुए हनीमैन ने इन सेक्शंस में अलग अलग चीजें बताई, जैसे कि 22 अफोरिज्म में हमने पढ़ा कि हनीमैन पहले ये नहीं कहता है कि सिमिलिमम का ही जो तरीका है, सिमिलिया का ही जो लॉ है वो सही है और उसी को फॉलो करो। हनीमैन पहले 22 में बताता है कि क्योर करने के लिए दो तरीके के लॉ देखे गए हैं, हनीमैन से पहले भी अप्लाई किए जाते थे, हिप्पोक्रेट्स ने दो तरीके के लॉ दिए, एक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया, एक है लॉ ऑफ सिमिलिया। पिछली बार हमने कॉन्ट्रेरिया भी डिस्कस किया था, सिमिलिया भी डिस्कस किया था। कॉन्ट्रेरिया कहता है कि अपोजिट्स को, कॉन्ट्रेरिया बोलता है कि अपोजिट्स विल क्योर, सिमिलिया कहता है कि सिमिलिमम, सिमिलर थिंग्स विल क्योर।
हिपोक्रेट्स ने दोनों ही चीजों को दिया था और दोनों ही चीजों को बोला था कि ये दोनों चीजें अप्लाई कर सकते हैं, पर हिपोक्रेट्स ज्यादा फेवर करते थे सिमिलिया को फॉर क्यूरेबल केसेस, और जहां इनक्यूरेबल केसेस की बात होती थी वहां हिपोक्रेट्स कहते थे कि आप क्वांटेरिया को फॉलो करें क्योंकि वहां पर पैलिएशन करना चाहते थे। पर जैसे कि पिछली बार भी हमने बताया था, हिपोक्रेट्स के जाने के बाद आगे तक, गैलन के आने के बाद और उसके 1200 साल आगे तक, सिमिलिया का लॉ एकदम डिमनिश हो गया था, गायब हो गया था। और फिर कहीं ना कहीं पैरासेल्सियस के आने से सिमिलिया की वापसी हुई थी, और फिर हनीमैन वो आदमी था जिसने सिमिलिया के लॉ को एक बेसिस के साथ, एक लॉजिक के साथ पेश किया और बोला ये सिमिलिया काम कर रहा है, पर ये काम, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे एक फंडामेंटल लॉ है, दैट इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, सबसे पहले हम इंडेक्स टू ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, आप एक बार खोल लीजिए अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स में, तो 22 अफोरिज्म का जो बेसिक जिस्ट हमने पिछली बार पढ़ा था ना, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप दो कलर डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं। हनीमैन भी ये दो बात साफ साफ आपसे कह रहा है, कुछ घुमा फिरा के नहीं कह रहा है। पहली बात हनीमैन क्या कहता है, इफ एक्सपीरियंस शुड शो दैट बाय मेडिसिन दैट पोजेस सिमिलर सिम्टम्स टू द डिजीज द लैटर वुड बी मोस्ट सर्टेनली एंड परमानेंटली क्योर्ड, वी मस्ट सेलेक्ट फॉर द क्योर मेडिसिन विद सिमिलर सिम्टम्स। अगर आपको क्योर करना है तो सिमिलर सिम्टम्स के बेसिस पे ही सर्टेनली और परमानेंटली क्योर कर सकते हो आप। बट शुड इट ऑल्सो शो दैट द डिजीज इज मोस्ट सर्टेनली एंड परमानेंटली क्योर बाय अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स। पर वो यहाँ पर ये भी कह रहा है कि अगर आपको अपोजिट्स अप्लाई करके वो चीज मिल रही है तो आप वो भी करके देख सकते हो। यहाँ हनीमैन बायस नहीं हो रहा है कि सिर्फ सिमिलर क्योर करेगा या सिमिलर सिम्टम्स ही क्योर करेंगे। हनीमैन दोनों चीज आपसे बोल रहा है और बोल रहा है आप अप्लाई करो, क्योंकि हनीमैन ने भी यही अपनी लाइफ में किया था। हनीमैन पहले अपोजिट्स को फॉलो करता था, हनीमैन पहले एलोपैथिक एनाक्योपैथिक प्रैक्टिसेस देखता था और करता था, उसने वो चीज अपनाई थी पर उसको वहां पर रिजल्ट्स नहीं दिखे और फिर वो सिमिलर या सिमिलर सिम्टम्स के टूवर्ड्स आया। इस वजह से यहाँ पर बोल रहा है कि आप पहले अपने आप में देख लो कि अपोजिट्स भी हैं और ये सिमिलिमम का लॉ, सिमिलिया का लॉ भी है, आप अप्लाई करके देखिए आपको क्या लॉजिकल लग रहा है, आप पढ़ के देखिए, आप समझ के देखिए, आप पिछले एक्सपीरियंसेस को देखिए, आप हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ के देखिए कौन सा लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हनीमैन ने फिर आगे अफोरिजम्स में 22 के बाद अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि मैंने ये दोनों चीजें अप्लाई करके देखी, मैंने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ी, मैंने पेशेंट्स में अप्लाई करके देखी और मैंने क्या पाया। इसी के बेसिस पे नेक्स्ट अफोरिज्म जो हमारा है वो 23 अफोरिज्म है, जहां पर हनीमैन एंटीपैथी के एग्रवेशन के बारे में बात कर रहा है कि क्यों एंटीपैथी इज नॉट द राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट। यहां पर हनीमैन कहता है ऑल प्योर एक्सपीरियंस हाउएवर एंड ऑल एक्यूरेट रिसर्च, जितना भी प्योर एक्सपीरियंस पिछले पास से लिया जा सकता है वो लेके, और जितनी भी रिसर्च करी जा सकती है, आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि यहाँ हनीमैन हैफजर्डली कुछ भी यूं ही मन से बना के नहीं बोल रहा है। हनीमैन ने कहा है यहाँ पर कि जितनी भी एक्सपीरियंस मैंने अभी तक किया है या मैंने देखा है और जितनी भी रिसर्च मैं इस चीज में कर सकता हूँ, एक्यूरेट, वो भी यूं ही रिसर्च नहीं, एक्यूरेट रिसर्च कर सकता हूँ, वो मुझे कन्विंस करती हैं, वो मुझे इस बात पे भरोसा दिलाती हैं दैट परसिस्टेंट सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस आर फार फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड और एनिहिलेटेड बाय अपोजिट सिम्टम्स ऑफ मेडिसिन। ये जो बार बार सिम्टम्स आ रहे हैं, परसिस्टेंटली बने हुए हैं, ये बहुत ही मुश्किल है कि ये एलोपैथिक वे में या एनाइशियोपैथिक वे में या पैलिएटिव या जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस, इससे ठीक हो पाए। बल्कि इनसे ठीक करने आप जाएंगे तो होगा क्या, दैट ऑन द कॉन्ट्रेरी आफ्टर ट्रांजिएंट अपेरेंट एलिवेशन। अब यहां पर ये तीन वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तीन वर्ड आपको एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि यहाँ क्या होता है। ये तीन वर्ड्स क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, इम्परमानेंट। और आप होम्योपैथी में क्या पढ़ते हैं, इट इज अ परमानेंट क्योर, इट इज नॉट इम्परमानेंट, इट इज नॉट ट्रांजिएंट इन नेचर। थोड़े टाइम के लिए नहीं ठीक करना है हमें, हमेशा के लिए ठीक करना है, एनिलेट करना है, जड़ से निकालना है डिजीज को, और ये एंटीपैथिक मोड नहीं कर सकता, ये ट्रांजिएंट करेगा, ट्रांजिएंट अपेरेंट।
अपेरेंट का सेकेंड मीनिंग पे ध्यान दीजिए, सीमिंग रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरली सो. आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्योर हो रहा है, क्यों? क्योंकि उस समय थोड़ा पहले आराम मिलेगा लेकिन बाद में बढ़ के आएगा. तो जब ये पहले आराम मिल रहा है एंटीपैथिक दवाइयां देने पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो क्योर हो रहा है आप, लेकिन पैलिएट कर रहे हैं, वहां क्योर नहीं कर रहे हैं आप. यही इसी वजह से यहां पर हनीमन ने अपेरेंट वर्ड का यूज किया है कि सीमिंग रियल और ट्रू बट नॉट नेसेसरली सो. एलिवेशन मतलब द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग सफरिंग डेफिशिएंसी और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर. तो हनीमन क्या कहता है कि ट्रांजिएंट अपेरेंट एलिवेशन मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा कि ऐसा आराम मिल रहा है शुरुआत में, पर ऐसा नहीं है. दे ब्रेक फोर्थ अगेन. आप एनांशियोपैथिकली या एंटीपैथिकली ट्रीट करोगे, थोड़े वक्त के लिए आराम मिलेगा और वापस से बीमारी और तेज से आएगी, ओनली विद इंक्रीज इंटेंसिटी एंड बिकम मैनिफेस्टली एग्रेवेटेड. ज्यादा इंटेंसिटी से आएगी और ज्यादा एग्रेवेटेड आएगी. और इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई एंटीपैथिकली ट्रीट करता है ना, कि आज मेरे को कोई बीमारी हुई, मेरे को आपने ट्रांजिएंट अपेरेंट एलिवेशन दिया, आपने मुझे अभी के लिए ठीक कर दिया, अभी के लिए पेन किलर्स मैंने खाए, अभी के लिए मेरे को आराम मिल गया, नेक्स्ट टाइम मेरे को पेन होगा, उससे ज्यादा होगा, ज्यादा एग्रेवेटेड फॉर्म में होगा और आएगा वापस, और तब आप क्या करोगे, 5 mg और बढ़ा दोगे, मेडिसिन की डोज और बढ़ा दोगे. जितनी बार फिर आप थोड़ी देर के लिए आराम दोगे, फिर से आएगा और इंटेंस आएगा, और फिर आप क्या करोगे, 5 mg और बढ़ा दोगे. उसके अलावा वहां पर परमानेंट क्योर का कोई स्कोप नहीं है, बस ये mg बढ़ते रहते हैं, ये डोसेज क्रूड फॉर्म में जो बोलते हैं ना, बढ़ती रहती है, और ये कभी भी क्योर नहीं दिला सकती. ये सिर्फ क्या करती है, पैलिएट करती है, और पैलिएशन हमारा एम नहीं होता, हमारा एम होता है क्योर, जो कि आप ऑर्गेनॉन में पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज हमने डिस्कस करी है. इसी चीज से रिलेटेड यहाँ पर हनीमन ने बोला, इस एंटीपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो फॉरजम 58-62 में आपको मिलेगा. इसी से रिलेटेड हनीमन आगे कुछ चीज कहते हैं कि ये फॉल्ट्स क्या है, ये जो एंटीपैथिक ट्रीटमेंट है ये क्योर नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे. पहला रीजन हनीमन कहते हैं, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं तो अफोरिज्म 7 का फुटनोट खोलिए एक बार, और सेकंड फुटनोट पढ़िए. अफोरिज्म 7 में 2 फुटनोट है, दूसरा वाला फुटनोट पढ़िए. उसमें हनीमन ये बताना चाह रहा है कि ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल डिजीज इज ट्रीटेड. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पास आया, आप एक एंटीपैथिक प्रिस्क्राइबर है, अपोजिट्स पे प्रिस्क्राइब करते हैं, मैंने आपको बोला मुझे डायरिया हो रहा है, तो आप मुझे अपोजिट्स के बेसिस पे एक ऐसी मेडिसिन देंगे जो कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करता है मेरे अंदर, और वो सिर्फ एक सिम्टम पे बेस्ड होगा. आप मेरा डिजायर नहीं पूछेंगे, आप मेरी थर्स्ट नहीं पूछेंगे, आप मेरा स्लीप का पोस्चर नहीं पूछेंगे, आप मेरी ड्रीम्स नहीं पूछेंगे, आप मेरा पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री कुछ नहीं पूछेंगे. आप सिर्फ उस एक सिम्टम के अपोजिट का जो सिम्टम है उसके बेसिस पे मेरे को क्योर करने की कोशिश करेंगे. और यही सबसे बड़ा फॉल्ट है एंटीपैथिक ट्रीटमेंट का, बिकॉज इट डज नॉट कवर द टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स. एंड हनीमन हैज क्लियरली स्टेटेड, फॉर क्योर यू मस्ट कवर द टोटैलिटी ऑफ सिम्टम. क्या बोल रहा है यहाँ पर अफोरिज्म 7 के फुटनोट में, इन ऑल टाइम्स द ओल्ड स्कूल फिजिशियन नॉट नोइंग हाउ एल्स टू गिव रिलीफ हैव सॉट टू कॉम्बैट एंड इफ पॉसिबल टू सप्रेस बाय मेडिसिन हियर एंड देयर अ सिंगल सिम्टम फ्रॉम अमंग अ नंबर इन डिजीज, अ वन साइडेड प्रोसीजर. ये एक सिम्टम को उठा के उसके अपोजिट के बेसिस पे एक सिम्टम का अपोजिट देना, ये एक सिंगल वन साइडेड प्रोसीजर है, ये टोटैलिटी को कवर नहीं करता है. विच अंडर द नेम ऑफ सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट, इसको हम सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं. आप लोग के एग्जाम्स में भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ये क्वेश्चन आता है, और बच्चे बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा. सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट जब पूछा जाता है तो बच्चे होम्योपैथी लिख के आते हैं. होम्योपैथी इज नॉट अ सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट. होम्योपैथी को कौन सा ट्रीटमेंट बोलते हैं, कोई बता सकता है आप में से? सिम्टोमेटोलॉजिकल. एकदम करेक्ट, होम्योपैथी इज अ सिम्टोमेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट. वहां पर हम टोटैलिटी को कवर करते हैं. सिम्टोमैटिक मतलब एक सिम्टम को देखते हुए उस पर दवाई देना, सिम्टोमेटोलॉजिकल मतलब टोटैलिटी को कवर करना. तो ये कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सिम्टोमैटिक बोल रहा है तो होम्योपैथी बोल रहा है. अभी एग्जाम हुआ था, मैंने अभी ने जूनियर से डिस्कस किया था, और मेजॉरिटी ऑफ जूनियर्स ने ये गलती करी है कि सिम्टोमैटिक में होम्योपैथी लिख के आए, ऐसा नहीं है.
has justly excited universal content because by it not only was nothing gained but much harm was inflicted. अब इससे कुछ गेन तो हुआ नहीं पर पेशेंट को और ज्यादा दिक्कत बढ़ी. क्यों? क्योंकि अभी आपने दे दिया एक सिम्टम में, अभी आराम मिल गया, बाद में बढ़ के आया, फिर बढ़ के आया, फिर बढ़ के आया. तो आप आराम थोड़ी दे रहे हो, कुछ देर के आराम के लिए आप उसके आगे के 6 महीने 1 साल बर्बाद कर रहे हो. और ये हमारा एम कभी नहीं होना चाहिए एज फिजिशियंस. एक बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, A single one of the symptoms present is no more the disease itself than a foot is the man himself. एक टांग से इंसान नहीं बनता है, वैसे ही एक सिम्टम से आपका डिजीज नहीं क्योर होता है. यहाँ पर हनुमान ये कहना चाह रहे हैं, एक सिम्टम के बेसिस पे डिजीज क्योर करने चलोगे तो ये ऐसी ही बेवकूफी है कि एक टांग के बदले आप पूरा इंसान पहचान. और ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए. This procedure was so much the more reprehensible that such a single symptom was only treated by an antagonistic remedy, therefore only in an enantiopathic and palliative manner, whereby after a slight elevation, फिर से वही बात हनुमान यहाँ भी कह रहा है 7 के second footnote में कि slight elevation के बाद it was subsequently only rendered all the worse. थोड़े से आराम के बाद वो transient apparent elevation के बाद वापस से ब्रेक फोर्थ करेगा और इंटेंस ब्रेक फोर्थ करेगा और ज्यादा एग्रीवेट करेगा अगर आप एनांशियोपैथिकली या एंटीपैथिकली ट्रीट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस क्यूरेंटर, दैट इज द लॉ ऑफ अपोजिट्स. ये पहला फॉल्ट था. दूसरे फॉल्ट में हम आते हैं जो हम डिस्कस अभी तक कर रहे थे कि थोड़े से आराम के बाद फिर से एग्रीवेशन, थोड़े से आराम के बाद फिर से एग्रीवेशन. अगर इसको आपको समझना है तो अफोरिज्म 58 खोलिएगा और अफोरिज्म 58 के फुटनोट में आपको लैटिन में लिखा हुआ मिलेगा या आई डोंट नो द पर्टिकुलर लैंग्वेज, बट वहां पर ये चीज अगर आपको ट्रांसलेटेड पढ़ना है तो आप ओराइली का टेक्स्ट पढ़िएगा. ओराइली में अफोरिज्म 58 में जो लैटिन या जो भी लैंग्वेज मिलेगा उसको ट्रांसलेटेड फॉर्म में लिखा गया जो कि उसकी मीनिंग यहाँ पर बताता है. इसमें लिखा क्या गया है, बेसिक समझाना क्या चाह रहा है कि एवरी अटेंटिव ऑब्जर्वर will agree that after such short antipathic amelioration, aggravation follows in every case without exception. कोई भी attentive observer है, कोई भी keen observer है, वो ये deny नहीं करेगा क्योंकि ये सामने हो रहा है, ये दिख रहा है कि थोड़े से आराम के बाद वापस disease आ रहा है और ज्यादा उसमें aggravated form में आ रहा है. Footnote में हनीमन opium का example देके देता है, pain killers opiates के बारे में बताता है. Opiates generally assuage the most severe pain and bring on insensibility and they continue the insensibility for some time and for a fixed period. When the period has elapsed, the pains soon flare up again and in short order increase to their accustomed severity. वही चीज जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, थोड़ा सा आराम, फिर से flare up, फिर से ज्यादा उसी severity पे पहुंच जाना और maybe ज्यादा ही, उससे थोड़ा ज्यादा ही यार बात. ऐसे ही हनुमान 3 एग्जांपल देता है. एक बार और हनुमान ने ओपियम का एग्जांपल दिया है कि व्हेन द ओपियम स्ट्रेंथ इज स्पेंट द इंटेस्टाइनल पेन्स रिटर्न स्ट्रेट अवे नॉर डू दे स्लैकन देयर सीवियरिटी अनलेस दे आर चार्म्ड अवे अगेन बाय द सेम ड्रग. फिर से वही ड्रग दो, फिर से वही शॉर्ट एम्लोरेशन, फिर से वही वापस आना. ये विशियस साइकिल चलती रहेगी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में. और इसमें इफेक्ट कौन हो रहा है, आपका पेशेंट इफेक्ट हो रहा है. आप उसको हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हो, आप उसको क्योर करना चाहते हो. यही हमारा एम है, यही अफोरिज्म 1, 2, 3 में हम पढ़ते हैं कि हमें पेशेंट को क्योर करना है उसको जो पहले से हार्म. यही रीजन था कि हनुमान शिफ्टेड टू होम्योपैथी, हनुमान फाउंडेड दिस प्रिंसिपल कि वो ये चीज अपने साथ ये होता हुआ नहीं देख सकता था, ये हार्म पहुंचाता हुआ नहीं देख सकता था. जे हंटर का भी एग्जाम्पल दिया है हनुमान ने, जिसमें वो बताते हैं कि वाइन एंड कॉर्डियल्स गिवन टू द वीक इंक्रीज द एक्शन विदाउट गिविंग रियल स्ट्रेंथ एंड द पावर ऑफ द बॉडी आर आफ्टरवर्ड्स संक प्रोपोर्शनली. वाइन का एग्जाम्पल देके हनुमान बात कर रहे हैं यहाँ पर, जे हंटर का एग्जाम्पल देते हुए कि वीक को शराब वाइन ये सब देने से कुछ टाइम के लिए तो वो एकदम अटेंटिव हो जाएगा, एकदम ज्यादा हाइपर हो जाता है, पर वो रियल स्ट्रेंथ नहीं है. जितना ही ज्यादा वो उस टाइम पे हाइपर या एक्टिव होगा उतना ही ज्यादा बाद में जाके प्रोपोर्शनेटली संग कर जाएगा, वीक हो जाएगा. वेयर नथिंग कैन बी गेन्ड बट अ ग्रेट डील मे बी लॉस्ट. वही चीज, इससे कुछ मिला थोड़ी, वो कुछ समय की स्ट्रेंथ की वजह से और ज्यादा वीक होता चला गया. ये गलत चीज है.
ऐसे ही अफोरिज्म 59 में आप जाएंगे तो हनीमैन ने करीबन 16 एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कॉफी अगर डे टाइम में लेते हैं तो ड्राउजीनेस हटाएगी, पर कॉफी का आफ्टर इफेक्ट आएगा बाद में, आपको और कॉफी चाहिए होगी। ये एक एडिक्शन ऐसे ही बनता है कॉफी का। कॉफी से आपको क्या हुआ, नींद ना रही है आपको, ड्राउजीनेस हो रहे हैं, आप कॉफी पी लेते हैं, कॉफी पी के थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगा, बाद में ड्राउजीनेस और इंक्रीज इंटेंसिटी में आती है, इंसान और कॉफी पीना चाहता है और कैफीन इनटेक करना चाहता है। ये आप लोग देखते आए, आपके सामने होता है, आपके घरों में होता है, यही हनुमंत दिखा रहे हैं आपको। ऐसे ओपियम के कई एग्जाम्पल दिए हैं और भी कई चीजों के एग्जाम्पल दिए हैं। जब हम 58 टू 59 वाला ये अफोरिज्म का सेक्शन पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे, पर अगर आप इससे रिलेट करके पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां जाके एक बार इसको पढ़ सकते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा अफोरिज्म एग्रेवेशन इन एंटीपैथी, ये उसका एक जिस्ट है कि हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है। हनुमान हमें क्या बता रहा है कि सारे प्योर एक्सपीरियंसेस पहली बात, और सारे अक्यूरेट रिसर्चेस दूसरी बात, जो भी इकट्ठा कर सकते हैं हम, वो हमें क्या कन्विंस करते हैं एज अ फिजिशियन कि अपोजिट सिम्टम ऑफ मेडिसिन से डिजीज इज नाइदर रिमूव्ड नॉर एनिहिलेटेड, ना ही रिमूव होता है ना ही जड़ से उखाड़ा जाता है, बट होता क्या है, ट्रांजिएंट एलिवेशन ऑफ सिम्टम्स होते हैं, वो कुछ समय के लिए वहां से चला जाता है, पर इट रिटर्न्स विद इंक्रीज्ड इंटेंसिटी एंड बिकम्स इंटेंसली एग्रेवेटेड आफ्टरवर्ड्स। ये चीज आपको याद रखनी है, और ये इसलिए याद रखनी है क्योंकि जब आप सिमिलिया पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट अफोरिज्म में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि हनुमान ने सिमिलिया इसलिए नहीं चूज किया क्योंकि उसको लगा, हनुमान ने सिमिलिया बहुत ही लॉजिकली चूज किया है। हनुमान ने सिमिलिया सारे एक्सपीरियंसेस, सारे ऑब्जर्वेशन, सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद चूज किया है कि एग्रेवेशन एंटीपैथी कराता है, मैं नहीं करूंगा। एलोपैथी कोई बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं है, ना अपोजिट ना सिमिलर, कुछ भी दे रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से दे रहे हैं, कोई फंडामेंटल लॉ ही नहीं है। सिमिलिया क्यों, सिमिलिया पे अप्लाई करके देखा, और सिमिलिया भी यूं ही नहीं दिया, जिसको हम नेक्स्ट अफोरिज्म में डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट अफोरिज्म के टुवर्ड्स आए, उससे पहले एक बेसिक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा मैं कि एक जनरल लॉ रिक्वायर क्यों होता है हमारी साइंस में। ये जनरल लॉ जैसे हम पढ़ते हैं कि अपोजिट्स का लॉ या सिमिलिया का लॉ, ये क्यों रिक्वायर्ड है एक मेडिकल साइंस में। एक थेरेप्यूटिक लॉ, एक थेरेप्यूटिक स्टडी जब भी आप करते हो ना, वो इनकम्प्लीट होती है या अनसाइंटिफिक होती है अगर उसका कोई जनरल लॉ ना हो। और जनरल लॉ किसके बीच में, जो डिजीज है, जो नेचुरल डिजीज है, और जो आप मेडिसिन दे रहे हैं, इसके बीच में कोई कोरिलेशन होना चाहिए। अगर इसको और इसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होगा तो आप क्या ही करेंगे, आप कैसे ही ट्रीट कर लेंगे। एक रिलेशन, एक लॉ होना इसके बीच में जरूरी होता है। अब यहां पर हनुमान पहले बोलते हैं ये लॉ अपोजिट भी हो सकता है और ये लॉ सिमिलर भी हो सकता है। एलोपैथिक वाले क्या करते हैं, कोई लॉ नहीं है, हेट्रोपैथिक है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई फंडामेंटल लॉ नहीं, इसलिए साल दर साल पिछले जमाने में जो मेडिसिन यूज होती थी आज वो नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि कोई लॉ पे बेस्ड ही नहीं थी, यूं ही देख के देखा था, थोड़े दिन के लिए काम करी, फिर नहीं काम करी तो हटा दिया, आज ये काम नहीं कर रही, अब ये नहीं काम करती, बैन हो गई मेडिसिन, आगे कुछ करेंगी आगे फिर बैन हो जाएंगी। कोविड के टाइम पे आपने इतना देख ही चुके हैं आप ये सब चीजें, ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो एक थेरेप्यूटिक लॉ को स्टडी करने के लिए ये जानना जरूरी है कि जो नेचुरल डिजीज प्रोसेस है और जो मेडिसिन दे रहे हैं, इसके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, और होम्योपैथी ये रिलेशन प्रोवाइड करता है कि ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी इंडिविजुअल, ये एक प्रोसेस अपनी चल रही है कि हम हेल्दी इंडिविजुअल को दवाई देते हैं, जो दवाई देते हैं, जो सिम्टम प्रोड्यूस करती है, वही सिम्टम अगर पेशेंट में मिलेंगे तो ठीक करेगा, ये एक चीज हो गई। अब यहाँ पर डिजीज आ रही है, अब इसकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे हमें मैच करना है, ये फंडामेंटल लॉ हमारा कोरिलेट करवा रहा है इन दोनों चीजों, इसलिए रिक्वायर्ड है। वहां पर क्या है, जो एंटीपैथिक करते हैं, ये चीज उन्होंने करी, लेकिन ये चीज सिक पे करी, हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे कभी नहीं करी। यहाँ वाली चीज मिल रही है अपोजिट के बेस पे, एक सिम्टम, हम टोटैलिटी ले रहे हैं यहाँ, एक सिम्टम के बेस पे एक चीज को अपोजिट, पर लॉ है वहां पर भी, लॉ है वो अपोजिट्स है पर लॉ वहां पर भी है, एक जनरल लॉ वहां पर भी अप्लाई होता है। और होम्योपैथी लॉ को क्यों हमें पढ़ना चाहिए और क्यों सिमिलिया ही क्योर करता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ रीजन ये है कि द थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर इज अ साइंटिफिक लॉ as justified by the following consideration, ये कोई hypothetical law नहीं है,
ये एक साइंटिफिक लॉ है, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, करेंट करेक्ट लॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. यूं ही हैफजर्डली नहीं बोल दिया गया है, जो मन में आया वो नहीं दे रहे हैं. ये इसके पीछे बेसिस है, लॉ है, लॉजिक है, एक्सपेरिमेंट्स है, सालों का एक्सपेरिमेंट्स है, सालों का एक्सपीरियंस. इट इज बेस्ड ऑन नो हाइपोथेसिस और स्पेकुलेशन, बट इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ इंटर रिलेशन. किसके बीच का इंटर रिलेशन? बिटवीन द टू सीरीज ऑफ फिनोमिना. और वो दो सीरीज ऑफ फिनोमिना क्या है? नेचुरल डिजीज फिनोमिना और ड्रग का एक्शन फिनोमिना. अब इस चीज से रिलेटेड जो नेक्स्ट अफोरिज्म हमारा है, सिमिलिया की लॉ ऑफ सिमिलिया क्योर्स, ये हम जो बोलते हैं कि हाँ सिमिलिया का लॉ क्योर करता है, हिप्पोक्रेट्स बोलता था, इसके पीछे हमेशा से मैं बोलता आया हूँ कि लॉजिक पे बेस्ड है होती थी. लॉर्ड फ्रांसिस बेकन की हमने बात करी थी जब हम इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनॉन पढ़ रहे थे, कि ऑर्गेनॉन के नाम में ही लॉजिक है, ऑर्गेनॉन का जो मतलब होता है वही लॉजिक से रिलेटेड है. अ बुक विच हैज विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक, इट इज नॉट अ बुक विच इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस. ये चीज आपको एक्सप्लेन करी थी मैंने, अगर आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स याद हो तो लॉजिक के बारे में अब हम थोड़ा समझेंगे कि ये लॉजिक होता क्या है. आप लोग को थोड़ी भी कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट लॉजिक है कि लॉजिक क्या है, लॉजिक किसको बोलते हैं, किसने दिया था, कितने प्रकार के लॉजिक होते हैं, इसके बारे में कोई जानता है? सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट हैं, आई थिंक फर्स्ट ईयर में ही हमें तो पढ़ाया गया दिया गया था. आप लोग कोई भी लॉजिक को पढ़ा है कि ये जो होम्योपैथी है बोलते हैं ना कि लॉजिक पे बेस्ड है, बोलना बहुत आसान है पर क्यों बेस्ड है, क्या रीजन है, किस लॉजिक पे बेस्ड है, आप लोग में से कोई बता सकता है? इट इज आर्ट ऑफ रीजनिंग. कौन बोल रहे हैं? रवि. बिल्कुल सही रवि, लॉजिक इज द आर्ट ऑफ रीजनिंग. ये तो एक बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट हो गया कि लॉजिक क्या है, किसी भी चीज के पीछे का लॉजिक क्या होता है, एक रीजन है उसके पीछे का कि ये चीज फिनोमिना हो रहा है तो ये फिनोमिना के पीछे का रीजन क्या है, क्यों ये फिनोमिना हो रहा है, कोई रीजन है उसके पीछे कि यूं ही आप हाइपोथेसिस में बोल रहे. लॉजिक एक रीजन बताता है हर फिनोमिना के पीछे का. और लॉजिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिडक्टिव लॉजिक, एक होता है इंडक्टिव लॉजिक. अब ये जो डिडक्टिव लॉजिक होता है ये रेने डिस्कार्टेस ने दिया था, इनको बोलते हैं फादर ऑफ डिडक्टिव लॉजिक. और जो इंडक्टिव लॉजिक होता है ये लॉर्ड फ्रांसिस बेकन ने दिया था. लॉर्ड फ्रांसिस बेकन वही थे जिन्होंने नोवम ऑर्गेनॉन ऑर्गेनम लिखी थी, और वहां से ही हनीमैन इंस्पायर हुए थे ऑर्गेनॉन नाम रखने के लिए, क्योंकि नोवम ऑर्गेनॉन जो उनकी बुक थी दैट वॉज अ बुक ऑफ लॉजिक. ये कोरिलेट करिएगा आप इस चीज को. अब दो बेसिक प्रेमिसेस होते हैं, एक होता है डिडक्टिव लॉजिक का कि जनरल टू पर्टिकुलर, कोई जनरल स्टेटमेंट है उससे पर्टिकुलर स्टेटमेंट बन रहे हैं, एक होता है पर्टिकुलर टू जनरल. अब इसमें अगर आपको समझना है तो होम्योपैथी का एग्जांपल लेके चलिए कि जनरल स्टेटमेंट एक हिप्पोक्रेट्स बोल के गए कि लॉ ऑफ सिमिलिया क्योर्स, तो अब पर्टिकुलर में आप इसको लॉ ऑफ सिमिलिया के बेसिस पे दे रहे हैं तो क्योर करेगा, इसको दे रहे हैं तो क्योर करेगा, इसको दे रहे हैं तो क्योर करेगा. पर ऐसा जरूरी नहीं है, इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कहाँ है? ये तो एक जनरल स्टेटमेंट था कि लॉ ऑफ सिमिलिया क्योर्स, तो इसके बेसिस पे आपने दे के देखा, पर वो जरूरी थोड़ी कि क्योर करेगा, ये रीजनिंग जरूरी थोड़ी है कि ये जनरल टू पर्टिकुलर जो आप आ रहे हैं ये क्योर करेगा. इसके बजाय जब आप इंडक्टिव लॉजिक में जाते हैं तो वहां पर पर्टिकुलर टू जनरल आते हैं, हमने लॉ ऑफ सिमिलिया के बेसिस पे इसको देखे देखा ये ठीक हुआ, लॉ ऑफ सिमिलिया पे देख के इसको देखे देखा ये भी ठीक हुआ, इसको देखे देखा ये भी ठीक हुआ, तो क्या है इन तीनों के बेसिस पे हमने बोला कि लॉ ऑफ सिमिलिया क्योर्स, ना कि हमने ये बोला क्योंकि लॉ ऑफ सिमिलिया क्योर्स तो ये तीनों ठीक कर रहे हैं. ये उल्टी चीज हो जाती है यहाँ पर. और ये इंडक्टिव लॉजिक इज द लॉजिक ऑन विच होम्योपैथी इज बेस्ड. वैसे इट इज बेस्ड ऑन बोथ लॉजिक, उसके बारे में हम आगे डीप में डिस्कशन होगा लॉजिक पे तब करेंगे, पर बेसिक होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव लॉजिक. अगर आप स्टुअर्ट क्लोज का फिलोसफी पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर है लॉजिक के ऊपर, उसको जाके पढ़िएगा तो वहां पर आपको स्टेटमेंट मिलेगा कि होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव लॉजिक. अब ये इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है तो ये इंडक्टिव लॉजिक होता क्या है और कैसे इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है ये जो हम बोल रहे हैं. इंडक्टिव लॉजिक में चार बेसिक स्टेप्स होते हैं, एक होता है एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, एक दूसरा होता है करेक्ट इंटरप्रिटेशन, तीसरा होता है रैशनल एक्सप्लेनेशन और चौथा होता है साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन. अब आप हनीमैन की स्टोरी पे लीजिए, सिमिलिया की स्टोरी को उठाइए, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन पहला स्टेप लॉजिक का, इंडक्टिव लॉजिक का.
हनीमैन क्यूलेंस की मटीरिया मेडिका ट्रांसलेट कर रहा था। हनीमैन ने ये ऑब्जर्व किया कि बिटरनेस की वजह से सिंकोना बार्क को ठीक करने के लिए बोला गया। इसी इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन की वजह से आज होम्योपैथी बनी। अगर ये चीज हनीमैन ऑब्जर्व नहीं करता तो आज होम्योपैथी का नामो निशान नहीं होता। अगर वो इस चीज को ऑब्जर्व करके उस पर पॉन्डर नहीं करता तो आज तक होम्योपैथी का डिस्कवरी ही नहीं होती। तो ये हनीमैन ने एग्जैक्टली ऑब्जर्व किया, कीनली ऑब्जर्व किया कि ये चीज दी है पर ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है। अब यहां पर वजह पे आता है दूसरा स्टेप, करेक्ट इंटरप्रिटेशन। हनीमैन एक्सपीरियंस द इफेक्ट्स ऑफ सिंकोना बार्क ऑन हिज ओन बॉडी। हनीमैन ने ऑब्जर्व तो कर लिया पर ऑब्जर्व करके मान नहीं लिया, अच्छा देखो मैंने ऑब्जर्व कर लिया है कि हाँ ये बिटरनेस है तो बिटरनेस की वजह से ही करता होगा। नहीं, हनीमैन ने उसको करेक्टली इंटरप्रेट करने की कोशिश करी कि क्यों होता है, अपने आप को खा के देखता हूं क्या है जो ठीक कर रहा है, बिटर तो और भी सब्सटेंस होते हैं तो वो क्यों नहीं करते हैं, उसके बारे में क्यों नहीं कर लिखा गया है यहाँ पर। और जब हनीमैन ने सिंकोना बार्क लिया तब उसने ये इंटरप्रिटेशन निकाला कि क्योंकि सिंकोना बार्क ये ठीक कर रहा प्रोड्यूस कर रहा है इस वजह से ये ठीक करेगा। नेक्स्ट आया उसने ये रैशनल एक्सप्लेनेशन बनाया, जो ये मैं बात बोल रहा था। रैशनल एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए उसने लिटरेचर पढ़ी, उसने हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ा, तब उसने देखा कि हिपोक्रेट्स, पैरासेल्सियस और स्टॉल जैसे पाइनियर्स बोल के गए हैं कि लॉ ऑफ सिमिलर नाम की कोई चीज होती है। हनीमैन ने लॉ ऑफ सिमिलर नहीं दिया है, हनीमैन ने बस उसको अप्लाई किया है लॉजिकली। यहां पर हिपोक्रेट्स देखे गए थे, पैरासेल्सियस ने भी यूज किया इन द फॉर्म ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर और स्टॉल भी यूज करते थे। हनीमैन ने उसी लॉ को पढ़ा कि अच्छा ऐसा कोई लॉ है, ये जो चीज, ये जो फिनोमेना मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ये करेक्ट इंटरप्रिटेशन जो मैंने करी है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है मेडिसिन के फील्ड में, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पढ़ने से। तो उसने ये रैशनल एक्सप्लेनेशन वहां पर कंस्ट्रक्ट किया कि अच्छा ये चीज हो रही है, ये चीज प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए ये चीज ठीक करेगी। और फिर उसने ये चीज साइंटिफिकली कंस्ट्रक्ट करी और बनाया पहला जो एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल, जिसको हम प्रिकर्सर ऑफ ऑनग्राउंड कहते हैं, an essay on new principle for ascertaining the curative power of drugs and some examination of the previous principle. To jo bolte hai na ki homeopathy is not based on logic, it is a pseudo science, to unko ja ke bataiye ki jo inductive logic, deductive logic, to basic logic hota hai na, homeopathy puri us pe hi based hai. Agar ye steps hain, ye steps aap padhoge to ye homeopathy pe puri tarike se apply karte hain. Koi cheez exactly observe kari gayi, usko correct interpret kiya gaya, उसका एक रैशनल एक्सप्लेनेशन निकाला गया और उस एक्सप्लेनेशन को साइंटिफिकली कंस्ट्रक्ट किया गया। और साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन के बाद जो पांचवा स्टेप है, जो कि यहां दिया नहीं है पर ये पांचवा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, हनीमैन ने फिर इसको अप्लाई करके देखा पेशेंट्स पे और ये पिछले इतने सालों से अप्लाई करके देखते आ रहे हैं एंड क्योर इज हैपनिंग, क्योर होता है, ये दिखता है, ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं ये एक्सपीरियंस दिला रहा है हमें कि हाँ इस बेसिस पे क्योर हो रहा है। तो होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव लॉजिक, सिमिलिया का लॉ यूं ही नहीं है, इसके पीछे कोई रीजनिंग है। अब इसी चीज को हनीमैन नेक्स्ट अफोरिज्म में बता रहा है, जो कि है हमारा अफोरिज्म 24, जो कि कहता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया क्योर्स, देयर रिमेन्स देयरफॉर नो अदर मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिजीजेस That promises to be of service beside the homeopathic. अब देखिए यहाँ पर पहले हनीमैन क्या कहता है, हनीमैन कहता है कि all pure experience, all accurate research. और आपको ये चीज कैसे पता चली कि हनीमैन ने experience और research किया था, logic जब हनीमैन ने apply किया, जब inductive logic के basis पे करा, हनीमैन ने ये सारी चीजें observe करी, उसने कुछ पुरानी किताबें पढ़ी, उसने experiences देखे, उसने experiments किए, उसने healthy human drug proving करी और तब हनीमैन इस यहाँ पर आया है, यूं ही नहीं आ गया है यहाँ। No other mode of employing medicine, कोई भी ऐसा method of employing medicine नहीं है in diseases that promises to be of service beside the homeopathic one. इतने सारे background में चीजें करने के बाद हनीमैन कहता है कि ये सब पढ़ने के बाद, ये सब experience करने के बाद, ये सारे experiments करने के बाद, मैं ये बोल सकता हूँ कि homeopathic के अलावा कोई ऐसा mode of employing medicine नहीं है जो कि diseases को cure करता है। By means of which we seek for the totality of symptom of the case of disease. अब यहाँ difference है। एंटीपैथी में हमने क्या पढ़ा था, एंटीपैथी में हमने पढ़ा था सिंगल सिम्टम पे दे रहे हैं, ये जो हमने फॉल्ट पढ़ा था यहाँ पर कि स्मॉल पार्ट ऑफ द होल डिजीज, यहाँ पर डिफरेंस आता है सिमिलिया के लॉ में, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स
और द केस ऑफ द डिजीज अ मेडिसिन विच अमंग ऑल मेडिसिन. अब यहाँ पर एक और बात आई, यहाँ मेडिसिन भी यूं ही नहीं चूज कर रहे हैं हम, मेडिसिन वो जो कि पैथोजेनेटिव इफेक्ट जिसके हम हेल्दी ह्यूमन पे ड्रग प्रूविंग करने के बाद प्रूव कर चुके हैं, मटेरिया में लिख चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, ड्रग प्रूविंग कर चुके हैं. यूं ही हैफजेडली कोई चीज नहीं बोल रहे हैं कि पुराने एक्सीडेंटल प्रूविंग में देखा गया था इस वजह से हम ये चीज दे रहे हैं. ये चीज हमने ड्रग प्रूविंग में प्रूव करी. हैज द पावर एंड टेंडेंसी टू प्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट मोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द केस ऑफ द डिजीज इन क्वेश्चन. और ये ही होम्योपैथिक है जो एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट बनाता है डिजीज के खिलाफ, जो कि आगे हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्गर इन पावर और मैनिफेस्टेशन की जब बात आएगी, और यही क्योर करता है. इसी चीज को अगर आप समअप करते हैं कि नो अदर मोड प्रोमिसेज एड अगेंस्ट डिजीजेस अदर देन, कोई और तरीका नहीं है सिवाय किस तरीके के, होम्योपैथी के. और होम्योपैथी करता क्या है, टोटैलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ केस ऑफ डिजीज लेता है, उसके बेसिस पे जो मेडिसिन है उस हैज बीन पावर एंड टेंडेंसी टू प्रोड्यूस एन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट. वो मेडिसिन जो कि ड्रग प्रूविंग से प्रूव करी गई है उसको एक आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट बनाने की कैपेबिलिटी रखती है, उसको टोटैलिटी के साथ मैच करता है और सिमिलिया सिमिलिमम उसके बेसिस पे, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के बेसिस पे क्योर करता है. यही है अफोरिज्म 23 अफोरिज्म 24 में कि पहले हनीमन कहता 22 में कि अपोजिट भी पढ़ो सिमिलिया भी पढ़ो, दोनों दिए गए हैं, हिपोक्रेट्स भी दोनों दे के गया था. अब बताया कि अपोजिट्स क्यों नहीं करना है, पहले बताया, ये नहीं बोला पहले सिमिलिया क्यों करना है, पहले बोला ये अपोजिट क्यों नहीं करना है, ये रीजन है नहीं करना, ये हार्म पहुंचाएगा, ये क्योर नहीं पहुंचाएगा. अब सिमिलिया क्यों करना है, क्योंकि ये हार्म पहुंचा रहा है तो ये यहाँ पर क्योर क्यों पहुंचा रहा है, उसके पीछे का लॉजिक बताया, उसके पीछे की रीजनिंग बताई, इस वजह से क्योर हो. आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं.